अब सेक्शन 3 कैसे काम करता है, अगर ये आप समझ गए तो भी आपकी सेक्शन 3 तक जाने की यात्रा बहुत तेज़ हो जाएगा। माइंड के सेक्शन 3 का टेक्निक ये है, ये पूरा ब्रह्मांड केवल एक एनर्जी से रेगुलेट होता है, और वो किससे होता है, आपके माइंड के अनडिफरेंशिएटेड पावर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन्योका चैलेंज 2023 में। हम लोग गॉस्पेल 5 पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है डिवोशन टू अवतार सरपासेस ऑल। सूत्र कहता है सेक्शन 2 तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है जब हमारा सेक्शन 1 ये समझ जाता है कि वो अपने आप को कैसे कॉन्शियसली बंद कर सके। अभी हम अपने सेक्शन 1 को रोज़ बंद करते हैं, रोज़ आँख बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो कुछ देर बाद बंद हो जाता है, करते नहीं है, हो जाता है। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा सेक्शन 1 बंद होता है, सेक्शन 2 खुलता है, और जैसे ही सेक्शन 2 खुलता है वो उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में चला जाता है। वो किसी न किसी चीज़ को जीता है, वो किसी न किसी इंसिडेंस के ऊपर फोकस करता है, लेकिन जब वही चीज़ आप कॉन्शियसली करते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या करना क्या है, कुछ सेकेंड के लिए सेक्शन 1 बंद करिए, आँख बंद, सेक्शन 1 बंद, सांस पे ध्यान गया, सेक्शन 1 बंद, एक थॉट ऑब्जर्व किया, सेक्शन 1 बंद, एक सेकंड के लिए, एक एक सेकंड के लिए अगर आपने सेक्शन 1 को बंद किया तो एक सेकंड बाद में 2 सेकंड हो जाता है, 4 सेकंड हो जाता है, धीमे धीमे वो चीज़ 20 सेकंड, 25 सेकंड कॉन्शियसली आप जगते हैं, लेकिन आप सेक्शन 1 में नहीं होते, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते। धीमे धीमे आपका सेक्शन 2 सेक्शन 4 की मदद से मेडिटेशन सीखता है, और सेक्शन 4 से जो उसको नॉलेज मिलता है, खाली उससे नॉलेज नहीं मिलता है, उसको पीस भी मिलती है। लेकिन इस प्रोसेस में ये फिजिकल वर्ल्ड से जो हमारा सेक्शन 1 कनेक्टेड रहता है, सोचता रहता है, सुनता रहता है, सूंघता रहता है, वो बंद होना चाहिए, तभी सेक्शन 2 सेक्शन 4 से सीख सकता है। आज वैभव वहां पर गया है, खाली जगह बदलने से हमारा सेक्शन 1 डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन खाली जगह बदलने से नहीं, वो इन चीज़ों को ना करने से डिस्टर्ब होता है। क्या चीज़ें, करेक्टिव मेथड्स को ना करने से, डिसइन्फेक्शन चेंबर ना बनाने से, 3-स्टेप ब्रीदिंग ना करने से, और अपने माइंड को स्टेबलाइज ना करने से आपका सेक्शन 1 डिस्टर्ब रहता है। इसका मतलब यह है कि रोज़ अपने आप को बताइए कि करेक्टिव मेथड क्या है और कैसे करूं, डिसइन्फेक्शन चेंबर बना है या नहीं बना है, या कैसे बनेगा, या 3-स्टेप ब्रीदिंग कैसे और कब करूं मैं, और इन सब चीज़ों से आपका चित्त मतलब माइंड IESM क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और ख़ास तौर से तब तो ज़रूर करिए जब आप डिस्टेबलाइज्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, जब आपको आंसू आ रहा है, जब कोई आदमी आपको कुछ कह रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, जब आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। हम सब लोग जब आराम करते हैं तो तबीयत ठीक होती है, जब सो जाते हैं तो बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि सोते समय सेक्शन 2 ए काम करता है। अब सेक्शन 3 के बारे में सुनिए। जब भी हम कोई सपना देखते हैं, चाहे जगते समय सपना देखते हैं, चाहे सोते समय सपना देखते हैं, या हम ट्रांस में होते हैं, मिस्टिकल वर्ल्ड में होते हैं, ये सब का सब काम होता है सेक्शन 3 का। लेकिन ये तब होता है जब हम कम एडवांस स्टेट में होते हैं, लेकिन जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और सेक्शन 3 को खोलने का और कंट्रोल करने का टेक्निक आपको आ जाता है, और साथ ही साथ आपका साइकिक नेचर मतलब आपका मिस्टिकल नेचर भी आप कंट्रोल में रखते हैं, शो ऑफ नहीं करते अपने पावर का, तब ब्रह्मांड का ग्रेट नॉलेज मिलता है आपको। और इन सब प्रोसेस में हमारा माइंड चित्त सेक्शन 1 उसको पीस मिलता है। और जब भी मैं पीस कहूँ तो आप ये समझिएगा IESM के बड़बड़ करने से फ्रीडम, यही है पीस। यहाँ पर बता रहे हैं स्लीप का एक ऐसा स्टेट है जो सेक्शन 2, 3 और 4 तीनों में होता है। जैसे हम स्लीप में कूदते हैं तो हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड या तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड या तो आत्मन में, तीनों में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मन में पहुंचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो देखा जाए तो स्लीप सेक्शन 2 और 3 का पार्ट है, एक तरह से कभी सेक्शन 2 में कभी 3 में, ऐसे मूवमेंट है ये। एक इंपॉर्टेंट चीज़,
जब आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं या कोई भगवान की पूजा करते हैं या भगवान से प्यार करते हैं, उससे भी आप अपने इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज ऑफ सेक्शन वन, मतलब अपने माइंड को, इस चित्त को पैरालाइज कर लेते हैं, मतलब आपका ब्रेन रुक जाता है, कुछ देर के लिए बीमार हो जाता है। इसलिए पीस जैसा कुछ आपको मज़ा आता है, लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो खाली भक्ति आपको हेल्प नहीं करेगी, अवतार की हेल्प चाहिए होती है उसमें, खाली भक्ति से काम नहीं चलता। और जब आपके पास पर्याप्त 2 ज़ेरोगा यूनिट्स ये से लेकर 4 ज़ेरोगा यूनिट्स इकट्ठी हो जाती है किसी भी प्रपोर्शन में, तो आप अपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अपने थॉट्स से, बेसिकली समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी और थॉट्स को अलग कर पाते हैं, आप थॉट्स ही रह जाता है। और जब मैं थॉट्स कहता हूँ तो बॉडी भी ये रह जाती है, फिजिकल बॉडी ये रह जाती है, मॉलिकुलर बॉडी रह जाती है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी रह जाती है, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जाती है किसी जगह पर, ये पूरे ब्रह्मांड का जो डायमीटर है उसका एक सेंटर पॉइंट है स्टार कैनेपस, और वो बाकी दायरा है, उसमें किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी स्टार पर वो जाता है फिर वापस आता है। इसका मतलब आप एक बहुत एडवांस्ड स्पीसीज हो चुके हैं, लेकिन आप बाहर नहीं निकले, अभी तक फ्री नहीं हुए, अभी तक स्ट्रीम में हैं। इट्स अ गुड न्यूज़। ये ऐसा हो गया जैसे आप पहले बहुत गरीब थे, आपके पास झोपड़ी भी नहीं थी रहने के लिए, लेकिन अब आपके पास ऐसा टिकट मिल गया है, पास, एक पासपोर्ट, गवर्नमेंट का रेड पासपोर्ट मिल गया है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ और 5 स्टार होटल में रुको, कुछ भी खाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, पैसा निकाल लो, बट आप स्टिल दुनिया में हैं, आपके पास पावर्स हैं, बट यू आर इन द वर्ल्ड। जब आपका सेक्शन 2, 3 और 4 माइंड का डेवलप हो जाता है और सेक्शन 1 को बंद करने की टेक्निक आ जाती है, जिस समय आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उस समय आपके चित्त का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि किसी और ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, तो सेक्शन 2, 3 और 4 की वजह से होता है। दूसरे प्लेन्स के साथ हम लोग जब सपना देखते हैं तो भी हम दूसरे प्लेन्स में जाते हैं और वहाँ से कुछ लाते हैं, तो उसके साथ हमने एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस की, मैंने भविष्य में जा कर के या किसी पास्ट में जा कर के कुछ देखा, तो क्या देखा, मैंने एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस की उसके साथ में, और फिर मेरे सेक्शन 1 में आया, फिर मैंने उसको बोला कि मैंने सपना देखा। इस फिजिकल प्लेन में जब हम नॉलेज लेते हैं तो किताब से लेते हैं, लोगों से बातचीत करके लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरे प्लेन्स में से नॉलेज लेते हैं तो उसका तरीका एकदम अलग है। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में जब भी आप नॉलेज लेते हैं तो लर्निंग से लेते हैं, मेमोरी से लेते हैं, लेकिन जब आप दूसरे प्लेन्स में से नॉलेज लेते हैं तो आप इंट्यूशन से लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन से लेते हैं। इसलिए जब आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं और मैं आंसर देता हूँ तो लर्निंग से नहीं है, वो इंट्यूशन से। हमने देखा है, ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, सेक्शन 2 ऑफ द माइंड का औजार है रीज़न या जुडिशियल रीजनिंग। सेक्शन टू मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड का औजार क्या है? ISM, बल्कि लॉ, कर्म, ऋणबंधन है। फिजिकल वर्ल्ड का रूल, दुनिया को चलाने वाला जो औजार है, ISM, ऑब्वियसली ISM है। जैसे आप सेक्शन 2 में पहुंचते हैं, वहां पर आप चोरी नहीं कर पाते। फिजिकल वर्ल्ड में तो चोरी कर लेंगे आप, चोरी भी इमोशन की वजह से करेंगे ना। आज मैं बैठा हुआ था ऊपर, कुछ मैम के कान के बूंदे और कुछ चेन वगैरह थे, बैंक में जाकर के लॉकर में रखना था मुझे। मैं सोचने लगा इसको मैं किसको दूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो किसको दूंगा। और एक ख्याल वहीं से आया, एक फिल्म देखी मैंने, द मैन कॉल्ड ओटो से, उसने भी मरने के बाद अपना प्रॉपर्टी किसी को दिया, और जैसे उसने दिया वैसे ही मैं भी दूंगा। किसको दूंगा? जिसको मैं प्यार करता हूँ। बड़ा रॉन्ग तरीका है वो ई सेंटर का काम है, बट ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का वही तरीका है भाई, जिसको प्यार करते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे माँ बाप है, या हो सकता है किसी नौकर ने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं उसी को दे दूँ। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम काम करते हैं इमोशन से या तो हैबिट से, लेकिन इमोशन और हैबिट क्या क्रिएट करता है? ऋणबंधन। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं, सेक्शन 2 में काम करते हैं, तो वहां पर इमोशंस काम नहीं करते, वहां पर काम करता है रीजन, जुडिशियल रीजनिंग। वहीं से कॉन्सेप्ट आया है ऑनेस्टी का। मैं इस फोन को ले जाऊंगा क्योंकि मेरा फोन है, ये है रीजन। लेकिन अगर मैं आपका फोन चुरा कर ले जाता हूं
तो वो रीज़न नहीं है, वो इमोशन है, वो भी रॉन्ग इमोशन है। तो सेक्शन टू, ये जो दुनिया में यहाँ पर सब सब चोरी चपारी हो रही है, मर्डर हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो दुनिया का रूल है वो तो रीज़न है। सेक्शन, ये दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड भी है, मॉलिकुलर वर्ल्ड भी है, करप्शन भी है और ऑनेस्टी भी है। करप्शन करिए और भोगिए, ऑनेस्टी करिए और फ्री रहिए। लेकिन ऑनेस्टी लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो सेक्शन वन यूज़ करते हैं खाली। एक बुद्ध जब भी किसी को देखते हैं तो बोलते ठीक है, उनके मन में सेक्शन टू में रहते 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 सेक्शन वन का यूज़ ही छोड़ दिया उन्होंने। जैसे गांव में जब खाना बनता है, आज भी गांव में लकड़ी से खाना बनता है, गोबर का उपल यूज़ होता है और लकड़ी यूज़ होती है, सस्ती तो मिलती है लेकिन बहुत धुआं निकलता है। वहाँ बैठ जाओ, चाची लोग जब खाना बनाती है तो आँखों में आंसू आते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट है। फिजिकल वर्ल्ड में आप कर लो जो चोरी करनी है, लेकिन बड़ा धुआं है, इसमें दर्द है, तकलीफ है, हैंगओवर है उसका। आपने चोरी की तो आपके साथ भी चोरी होगी। लेकिन वहीं पर थोड़ा एडवांस्ड सिस्टम आ गया है, एलपीजी गैस आ गई है, कोई धुआं नहीं, आराम से खाना पकाओ, खाओ, जाओ। सेक्शन टू से रीज़न से काम करो, जो तुम्हारा है लो, जाओ, कोई धुआं ही नहीं, कोई रोड बंधन नहीं। तो सेक्शन टू का औजार है रीज़न, जुडिशियल रीजनिंग। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, सेक्शन वन बेचारा इमोशन से चलता है, सेक्शन टू जुडिशियल रीजनिंग से चलता है। मतलब अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो सेक्शन टू में आपको, मतलब इस पूरी दुनिया में आपको कम से कम झंझट होगा। अब सेक्शन थ्री कैसे काम करता है, अगर ये आप समझ गए तो भी आपकी सेक्शन थ्री तक जाने की यात्रा बहुत तेज़ हो जाएगा। माइंड के सेक्शन थ्री का टेक्निक ये है, ये पूरा ब्रह्मांड केवल एक एनर्जी से रेगुलेट होता है, और वो किससे होता है, आपके माइंड के अनडिफरेंशिएटेड पावर से। इसके ऊपर मेडिटेशन करिए। इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत पावरफुल माइंड फैला हुआ है, अगर आप उसको एक्सेस कर लें तो आप सेक्शन थ्री एक्सेस कर लेंगे। सेक्शन टू में तो ऑनेस्टी चाहिए सोच सोच के, यह ऑनेस्टी नहीं चाहिए, ऑनेस्टी उसके बाद आप जीत चुके हैं। सेक्शन टू पे पहुंचे इसका मतलब आप जान गए कि ऑनेस्टी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप एक अनडिफरेंशिएटेड पावर को एक्सेस करते हैं, और वो पावर किसी भगवान की नहीं है, वो आपके माइंड की है। वो वही पावर है जिससे आप ये उंगली हिलाते हैं, वही पावर है जिसके ज़रिए आप सोचते हैं, वही पावर है जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, ये भी माइंड है, ये माइंड है। लेकिन हम इस पावर को मेडिटेट करने में यूज़ नहीं करते। ये माइंड का पावर एक बूंद का पावर है, जब आप पढ़ते हैं तो माइंड यूज़ करते हैं, और यही पावर एक पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अनडिफरेंशिएटेड पावर। वो है सेक्शन थ्री का एक्टिविटी। अनडिफरेंशिएटेड मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसका पावर थोड़ा सा विष्णु जी के पास है, थोड़ा सा शंकर जी के पास है, थोड़ा सा किसी पॉलिटिशियन के पास है, सूरज के पास थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है। वो अनडिफरेंशिएटेड पावर है, पूरा का पूरा लोक भू भुआ सुहा का साइकिक लेवल पे जो कंट्रोलिंग चलती है वो अनडिफरेंशिएटेड माइंड से चलती है, वो एक सिंगल माइंड से चलती है, और वो एक सिंगल माइंड परफेक्ट तरीके से चलता है। उसको हम लोग जरूर एडवांस में बोलते हैं यूडीएम, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। अगर आप इस चीज़ पर भी मेडिटेट करना शुरू कर दें, जैसे रमण कहते थे आप मेडिटेट करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप ये भी अगर मेडिटेट करते हो कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, कौन चलाता है, कौन चलाता है, तो कभी ना कभी आपको यूडीएम के साथ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आसान है, थॉट्स शांत हुआ कि ये माइंड उस माइंड से ऐसे मिलता है जैसे पारा मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद बड़े से मर्क्यूरी की बूंद के साथ करके चिपक जाता है। ये भी एक माइंड है, वो भी एक माइंड है, लेकिन ये माइंड उससे अलग कैसे है? बिकॉज ऑफ थॉट्स, पर्सनैलिटीज, इमोशंस। जैसे ही थॉट्स, पर्सनैलिटीज, इमोशंस हल्की पड़ती हैं, शांत पड़ती हैं, ये माइंड जाकर उसके साथ मन हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड माइंड के साथ। जिनोगा में किसी चीज़ को प्रधान कहा जाता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो पहले तो आपका ग्रॉस एसेंस है, ये फिजिकल बॉडी ग्रॉस एसेंस है,
ग्रॉस क्यों है? आपने एक चीज़ सोचा, ये बॉडी खुश हो गया। आपने दूसरी चीज़ सोची, ये बॉडी बीमार पड़ गया। ग्रॉस एसेंस है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ग्रॉस बनता है सटल, मॉलिक्यूलर बॉडी बन जाती है, और सटल एसेंस आगे और बढ़ के और समझदार होकर बनता है प्योर स्पिरिचुअल बीइंग। इसी बदलाव को, एक आदमी फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बन जाता है, मॉलिक्यूलर से धीरे धीरे स्पिरिचुअल बीइंग बनता है, इसी को बोलते हैं प्रधान। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसी से हम लोग उस वन कॉस्मिक एनर्जी को, उस अनडिफ्रेंशिएटेड पावर ऑफ माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही आपका माइंड उसके साथ करेक्ट करेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी भी और सटल होती जाएगी। आप इस बॉडी से फ्री हो जाओगे, इस बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज ये पूरा ब्रह्मांड आपकी बॉडी हो जाती है, आपका माइंड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट ऑन द वे स्टेशन से, मतलब जब आप ट्रेन से चलते हैं तो बीच के स्टेशन से, ये अंत नहीं है, अंत अभी बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो उसमें सीड है। सीड मतलब आप फिर से वापस आ सकते हैं। इसलिए आपके अंदर में जब तक मेडिटेशन में सीड है, मतलब आप वापस आ सकते हैं, अपने आप को बताइए, मैं अभी भी ग्रॉस हूँ, चाहे कितनी भी शक्ति आ जाए, मैं अभी भी ग्रॉस हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है, अब आपके लिए मुक्ति बहुत नज़दीक है। और जो लोग इनिशिएटेड एस्पिरेंट हैं, मतलब जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत रेयरली इस दुनिया में फिर से फंसते हैं। एक तरह से आप ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, गुड न्यूज़ है। बट चौकन्ना भी रहना है, कार चलाने की तरह है। आप यहाँ से जा रहे हैं मुंबई, पूरे रास्ते भर आँख खोल के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जस्ट एक किलोमीटर मुंबई बचा हुआ है, तो सो मत जाइए, नहीं तो पहुँचेंगे नहीं। एट नो पॉइंट यू कैन स्लीप, एट नो पॉइंट यू कैन एक्सेप्ट कि मैं पहुँच गया। जब पहुँचेंगे तभी आप पहुँचेंगे, तभी मानिए कि आप पहुँचे, उससे पहले नहीं। थैंक यू।